पूरे साल के इंतजार के बाद वो घड़ी आ गई है, हमारी दुर्गा पूजा, वर्ल्ड फेमस दुर्गा पूजा। इस दुर्गा पूजा में हमारे बहुत सारे प्लानिंग होते हैं, हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन उसके साथ अगर हमारी स्किन की ग्लो ना रहे तो अच्छा नहीं लगता या हमारे मेकअप भी बहुत अच्छे से निखरेगा नहीं। ये तो इसी के लिए आज मैं लेके आई हूँ एंटी टैनिंग ये फेस पैक, और ये बहुत ही अच्छा नेचुरल स्किन ब्लीच का काम करेगा हमारे स्किन के ऊपर और बहुत अच्छा ग्लो लेके आते हैं हमारे स्किन में। तो यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हमने पहले लिए हैं वो है बीटरूट, जो हमारे ये, तो यहाँ पे मैंने बीटरूट लिया है, बीटरूट के जो छिलके हैं उसको मैं उतार लूँगी और उसके बाद इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। बीटरूट में बहुत अच्छा मिनरल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, बहुत अच्छे से विटामिन होते हैं उसमें, बहुत अच्छा विटामिन सी मिलती है, और बीटरूट जो है वो बहुत अच्छे से एंटी एजिंग का काम करते हैं, एक्ने ट्रीटमेंट में काम करते हैं और स्किन ब्राइटनिंग में बहुत अच्छी मदद करते हैं। बीटरूट में एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, उसके साथ साथ भरपूर मात्रा में इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिलती है और उसके साथ साथ ये एंटी बैक्टीरियल भी है। तो ये इसी के लिए ये बीटरूट बहुत ही अच्छे होते हैं स्किन के लिए और बहुत अच्छा पिंकिश ग्लो लेके आते हैं हमारे स्किन में। तो यहाँ पे मैं बीटरूट को ग्रेट कर रही हूँ, तो ग्रेट करने के बाद इसका जूस मुझे बहुत आसानी से मिल जाएगा, मुझे 1.5 टीस्पून के करीब चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैं जूस निकाल लूँगी इसको ग्रेट करके, उसके बाद मैं इसको छलनी के मदद से इसका जो जूस है उसको मैं निकाल लूँगी। तो मेरा ये आधा के करीब मैं बीटरूट को ग्रेट कर लिया था, कद्दूकस कर लिया था, उसके बाद इसका मैं जूस निकाल लूँगी। तो बहुत ही सिंपल है ये फेस पैक रेडी करना और बहुत ही स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी होती है, स्किन में बहुत अच्छा ग्लो लेके आते हैं। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे लेकिन मेरे कहने पे आप लोग एक बार इसको यूज़ करिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर आप आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और हाँ वीडियो कैसे लगी वो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी हर एक कॉमेंट हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करते हैं। तो उसके बाद मेरा ये जूस निकालना हो गया, और इस पैक के लिए इस जूस में जो चाहिए मुझे इंग्रेडिएंट्स तो वो सारे मैं मिलाती जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच के करीब बेसन ले लिया है, उसके साथ मैं यहाँ पे मिलाऊंगी एक चम्मच के करीब योगर्ट, मतलब खट्टा दही, दही का पानी जितना कम हो उतना ही अच्छा रहता है, और आपके घर की हो तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसके साथ मैंने आधा चम्मच के करीब यहाँ पे मिला लिया है हनी, क्योंकि ये हनी इसको बैलेंस करेगा, क्योंकि यहाँ पे मिला रही हूँ लेमन जूस। तो लेमन जूस जिनका ड्राई स्किन है तो उनके लिए क्या होगा, स्किन ड्राई हो जाएगा, तो इसलिए मैंने हनी भी यहाँ पे मिला लिया है, हनी इसको बैलेंस करेगा। तो इसको चार जो इंग्रेडिएंट्स सबको एक साथ मिलाना है, बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए ताकि आप फेस के ऊपर बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ऐसे मिलाना है। तो यहाँ पे लेमन जूस यूज़ किया है, तो लेमन जूस क्या करता है, हमारे स्किन लाइटनिंग में बहुत अच्छी मदद करती है, स्किन को ब्राइटनिंग करने में मदद करती है। और हनी जो है, हनी हमारे जो स्किन में नमी होती है, जो मॉइस्चराइज़र का काम करते हैं, स्किन का जो ड्राई हो जाना, हाइड्रेशन का वो काम करता है। तो ये सब कुछ मिला लिया है मैंने, अब एप्लीकेशन की बारी। सबको पता है कैसे अप्लाई करनी है, तो मैं आज हाथ से इसको अप्लाई करती हूँ, और आप लोग इस टाइम पर मेरे फेस को देख के रखिएगा, क्योंकि मेरे में थोड़ी टैनिंग थी, मतलब फोरहेड के साइड में थोड़ी टैनिंग थी। और इस पैक को अप्लाई करने के बाद आप लोग इसका जो मिरेकल इफेक्ट है तो आप लोग देख पाएंगे, बहुत अच्छा एक इफेक्ट आया था। तो बहुत अच्छे से मैं इस पैक को अप्लाई कर लूंगी ऑल ओवर फेस के ऊपर।
अब मेरा फुल फेस के ऊपर पैक का एप्लीकेशन हो गया है और इसको मैं 15 मिनट तक अपनी स्किन के ऊपर रखूंगी। तो 15 मिनट के बाद मैं आती हूँ। अब देखिए 15 मिनट के बाद थोड़ी थोड़ी ड्राई हुई है, लेकिन इसमें योगर्ट रहने के वजह से ये फुल ड्राइंग नहीं है, नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है, तो ये पूरा ड्राई नहीं होगा। तो उसके बाद मैं अपने फेस के ऊपर स्प्रे कर लूंगी और अपने हाथों से, हल्के हाथों से बहुत अच्छे से मसाज कर लूंगी 2 से 3 मिनट तक। ऑलमोस्ट मैं 2 से 3 मिनट तक मसाज कर चुकी हूँ। अब मैं एक टिश्यू के मदद से इसको मैं रिमूव कर रही हूँ और आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे स्किन में जितने टैन थे तो वो हट गए हैं, स्किन ब्राइट दिख रहा है अभी से। तो अभी मैं पूरी फेस को नॉर्मल वाटर से धो के आती हूँ, क्लीन कर लूँगी, तो उसके बाद देखिएगा और भी रिजल्ट कैसा मिला है। तो अभी देखिएगा मेरी स्किन की जो रिजल्ट है, अब बहुत ही ग्लोइंग दिख रहा है मेरा स्किन, बहुत ही हेल्दी दिख रहा है, बहुत ही स्किन में ब्राइटनिंग आ गई है, स्किन ब्राइट लग रहा है। तो दुर्गा पूजा से पहले ये रेमेडी करना मत भूलिएगा, पहले अपनी स्किन से जो टैनिंग होती है उसको हटा दीजिए उसके। तो आज की वीडियो यही तक, मिलती हूँ नई किसी ब्यूटी टिप्स के साथ, नई किसी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।